दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना किसकी होगी? अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी इस पर फैसला। चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोका। दोस्तों महाराष्ट्र में सियासी घमासान एक बार फिर से तेज होता हुआ देखा जा सकता है। महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष का मामला आखिरकार संविधान बेंच को भेज दिया गया है। अब इस मामले पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के हालिया राजनीतिक संकट से जुड़े उन 5 लंबित मामलों पर सुनवाई कर रही है, जिसके चलते राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। वहीं दोस्तों अब इस मामले पर जैसा कि 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, उधर चुनाव आयोग की सुनवाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनबी रमना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। अब 25 अगस्त को 5 जजों की संविधान पीठ के समक्ष सिंधे उद्धव गुट की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। यानी कि दोस्तों स्पष्ट है, रिटायरमेंट से पहले CJI एनबी रमना इस बेंच की अध्यक्षता करेंगे और अब 25 अगस्त को सुनवाई होगी महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर। ये दोस्तों इस समय की एक बड़ी खबर निकल के आ रही थी। देख सकते हैं CJI एनबी रमना अपने रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला दे सकते हैं महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट पर। दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई। अगर आप भी शिवसेना के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।